हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो क्लास आज है, हिस्ट्री का क्लास है। आज मैं आपके बीच जो पिछला क्लास जहाँ पे खत्म हुआ था, वहीं से आज पुनः मैं शुरू करता हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल साहब लोगों को पढ़ाया जा रहा था। आज जो गवर्नर जनरल के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नाम है लॉर्ड बेलेजी। लॉर्ड बेलेसली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, और 1798 से 1805 तक यह भारत के गवर्नर जनरल के पद पे रहता है। भारत आने के बाद लॉर्ड बेलेजली, जैसा कि लॉर्ड बेलेजली से पूर्व मैंने बताया था कि सर जॉन शोर, लॉर्ड कार्नवालिस के बाद सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे, और सर जॉन शोर की नीति जो थी, या सर जॉन शोर जो थे, वो अपने अहस्तक्षेप की नीति के लिए याद किए जाते हैं, जिसके तहत अहस्तक्षेप की जो नीति थी, वास्तव में इसका तात्पर्य है कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, देसी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। ठीक है, अर्थात वो देसी रियासतों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगी। परिणाम स्वरूप सर जॉन शोर का जो शासन समय था, जो उनका पीरियड था, वो मुख्यतः शांति काल का पीरियड था। अर्थात उस समय भारत में शांति की स्थिति दिखाई पड़ती है। कंपनी बहुत ज्यादा सैनिक अभियानों में, या सैनिक अभियानों में कंपनी की दिलचस्पी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, तो उसने पूर्व की नीति को त्याग कर दिया, और उसने अपने सामने दो लक्ष्य निर्धारित किए। फ्रांसीसी प्रभुत्व समाप्ति, ठीक है, ये पहला था। दूसरा जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए, वो था ब्रिटिश साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बना। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाना। पहला, देखिए, गौर कीजिएगा आप लोग, पहला उसने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वो था फ्रांसीसी प्रभुत्व की समाप्ति। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यार, कि भारत ही नहीं, यूरोप में या दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में जो उपनिवेशवाद की जो विचारधारा पुष्पित हो रही थी, अर्थात उग्र रूप ले चुकी थी, और विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के बीच उपनिवेशवाद को लेकर दौर शुरू हो चुका था, वैसी परिस्थिति में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अपनी प्रभुता की स्थापना के लिए दुनिया के विभिन्न महादेशों में, महाद्वीपों में, आप परस्पर संघर्ष का वातावरण था। वही स्थिति भारत में भी थी। भारत में भी यूरोपीय कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। लेकिन इसी बीच यूरोप में एक नाटकीय परिवर्तन होता है, और फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन बोनापार्ट आसीन होता है। फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन के आसीन होते ही फ्रांस के सामरिक लक्ष्य, या यूं कहिए, कह सकते हैं कि फ्रांस का जो सामरिक जोश था, वो काफी उफान, या यूं कहिए, उसमें एक नई स्फूर्ति दिखाई पड़ती, और नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस ने यूरोप सहित एशिया और अफ्रीका में अनेक विजयों को संपन्न किया। नेपोलियन के विजय अभियानों से उसके प्रतिद्वंदियों, खासकर ब्रिटेन में, एक भय का माहौल था, और वैसी परिस्थिति में यह कहा जाता है कि 1799 में जो टीपू सुल्तान की,
सुल्तान जो मृत्यु हुई थी 1799, उससे पहले कहा जाता है कि टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। टीपू को यह पता था कि वह अकेले इस मुहिम को संभव नहीं बना सकता है, तो उसने विदेशी और शक्तियों से सहयोग लेने का निश्चय किया और कहा जाता है कि उसने नेपोलियन के साथ पत्राचार किया था और उसे भारत अभियान के लिए प्रेरित किया था। इस आशंका से भयभीत होकर कि नेपोलियन कहीं भारत स्थित ब्रिटिश साम्राज्यों को कुचल न दे, वैसी परिस्थिति में कंपनी ने एक योग्य व्यक्ति को लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। लॉर्ड वेलिंगटन ने भारत आते ही अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया, जिसमें पहला था फ्रांसीसी प्रभुत्व की समाप्ति और दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाना। देखिए, ये दोनों लक्ष्य परस्पर संबंध है। ब्रिटिश साम्राज्य तभी शक्तिशाली बन सकती थी जब उसके प्रतिद्वंदियों की शक्ति समाप्त होती, खत्म हो जाती। चूंकि फ्रांसीसी एक प्रमुख यूरोपीय प्रतिद्वंदी था, अतः इसे परास्त करना या इसकी शक्ति को समाप्त करना जरूरी था, और इस दिशा में प्रयास करने के लिए बेलेजली ने कदम उठाया। और इन दोनों का यदि इन दोनों से लक्ष्यों को यदि हम जोड़ देंगे, अर्थात इन दोनों लक्ष्यों को मिलाकर जो परिणाम निकलेगा, वो परिणाम होगा कि ज्यादा से ज्यादा देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत लाना। यानी ये दोनों लक्ष्य तभी पूर्ण हो सकते थे जब बेलेजली भारत के देशी रियासतों को या अधिकांश देशी रियासतों को अपने नियंत्रण में लेता। ठीक है, तो प्रयास उसने क्या किया, अधिकांश देशी रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना है, क्योंकि जब तक देशी रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं लाया जाता, तब तक किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप को समाप्त नहीं किया जा सकता था। अर्थात भारत में किसी अन्य शक्ति के हस्तक्षेप का भय लगातार बना रहता था, और ऐसी परिस्थिति में ये बेलेजली का ये सोचना पूरी तरह सही था। अतः ये इस दिशा में उसने जो प्रयास किए, बेलेजली ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के लिए दो तरह के प्रयास किए, एक सैनिक प्रयास और दूसरा कूटनीतिक प्रयास। ठीक है, तो सैनिक और कूटनीतिक देखिए यहां पे आप लोग गौर से देखिएगा उसने किस तरह के प्रयास किए, सैनिक प्लस कूटनीति। और इन सैनिक एवं कूटनीतिक प्रयासों का ही सम्मिलित रूप बेलेजली ने भारत में जिस नीति को लागू किया या जिस नीति को उसने आगे बढ़ाया, उसको हम लोग कहते हैं सहायक संघ। सहायक संघ, इस प्रकार भारत में लॉर्ड बेलेजली ने ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना के लिए जिस नीति का अनुसरण किया, उस नीति को हम लोग सहायक संधि के नाम से जानते हैं, और इस सहायक संधि में सैनिक और कूटनीतिक दोनों तरह के प्रयासों का बेजोड़ संगम था। यह सहायक संधि कैसे था, जब आप इसकी शर्तों को देखिएगा, तो आइए सहायक संधि के प्रमुख शर्तों को हम लोग देखते हैं। सहायक संधि क्या था, सहायक संधि क्या था, क्या ये क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या था। तो देखिए, सहायक संधि के तहत जो सबसे प्रमुख और पहला शर्त था, उसके तहत पहली जो शर्त थी, अर्थात जो भी रियासत, देशी रियासत कंपनी के साथ सहायक संधि करती थी, उसे इन शर्तों को मानना पड़ता था। जैसे पहला, देश
देसी रियासतों का देसी रियासतों का वैदेशिक संबंध वैदेशिक संबंध कंपनी के अधीन हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो देसी रियासत सहायक संधि करते थे उनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाता था, अर्थात देसी रियासतों को अपने दूसरे रियासतों के साथ किसी भी तरह का समझौता या किसी भी तरह का गठबंधन करने की कोई इजाजत नहीं थी। यह पहली शर्त। दूसरी, देसी रियासतों के क्षेत्र में देसी रियासतों में कंपनी की सेना की तैनाती, ठीक है, कंपनी की सेना की तैनाती। और कीजिएगा, दूसरा जो पॉइंट है, देसी रियासतों में कंपनी के सेना की तैनाती, ठीक है, तो कंपनी के सेना की तैनाती, कंपनी सेना का खर्च देसी रियासतों पर, ठीक है। इसके तहत जो सेना या सैन्य टुकड़ी देसी रियासतों में तैनात की जाती थी उसका खर्च जो है वो देसी रियासतों को वहन करना पड़ता था, या तो इसके लिए वो नगद राशि देते थे या इसके बदले में कोई क्षेत्र, ताकि उसके राजस्व से प्राप्त आमदनी से कंपनी जो है अपने सैन्य खर्च को उठा सके। यहाँ बड़ा ही ये आपको समझने ध्यान देने की बात है। देखिए, एक कंपनी ने क्या किया, तो रियासतों के खर्च पर उसने एक आधुनिक सेना का गठन कर, ठीक है, और उस आधुनिक सेना का प्रयोग कंपनी कहाँ करती थी, तो कंपनी के हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि रियासतों में जो सैन्य टुकड़ी होता था उसका काम था कि राजा के खिलाफ होने वाले किस आंतरिक विद्रोह को, अर्थात यदि राजा के खिलाफ उसकी प्रजा विद्रोह कर दे तो उस विद्रोह को दबा देना, पहला। दूसरा, यदि उस रियासत पर किसी दूसरे रियासत का आक्रमण हो तो वैसी स्थिति में उस रियासत की रक्षा करना, यानी कंपनी के हितों को बनाए रखना, कंपनी के हितों को बचाना, क्योंकि देसी रियासतों में कंपनी का अपना इंटरेस्ट था। अब जो देसी रियासत थे वो पूरी तरह कंपनी पर आश्रित हो गए थे, तो कंपनी क्या करती थी कि इसके एवज में देसी रियासतों से एक क्षेत्र ले लिया और उस पर एक सेना का गठन कर लिया, और इस सेना का प्रयोग केवल वह देसी रियासतों के लिए नहीं करती थी, बाद में इन्हीं रियासतों के खिलाफ उस सेना का प्रयोग हुआ। मतलब कितना चालाकी था इस संधि में वो आप जरा गौर कीजिएगा कि आप ही के खर्च पर एक सेना का गठन और उसी सेना का प्रयोग आप ही के विरुद्ध किया। तो ये दूसरा पॉइंट था कि देसी रियासतों की कंपनी देसी रियासतों में कंपनी की सेना की तैनाती, ठीक है। और तीसरा था, देसी रियासतों में ब्रिटिश रेजिडेंट की तैनाती, अब यहां आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेजिडेंट की तैनाती का क्या नेता है। तो देखिए, देसी रियासतों के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट को तैनात किया गया ताकि वह देसी रियासतों की राजनीति को देखता रहे, वो देसी रियासतों की राजनीति को कंपनी के अनुकूल संचालित करता रहे, ठीक है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से देसी रियासतों की राजनीति पर भी या देसी रियासतों की राजनीति को भी वो जो रेजिडेंट होता था वो उसको उसका उस पर उसका नियंत्रण कंट्रोल हो गया,
कहने को तो कहा जाता था कि ये रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ये कहने की बात, रेजिडेंट का वो स्थिति था कि रेजिडेंट की सहमति के बगैर देसी रियासतों के जो राजा होते थे वो किसी भी तरीके से कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार देसी रियासतें पूरी तरह से सहायक संधि को स्वीकार कर राजनीतिक और सैनिक रूप से पंगु हो जाता था, वो नाम मात्र के सांकेतिक रूप से जीवित थे। तो ये था सहायक संधि, और सोचिए कि ये सहायक संधि कंपनी के लिए कितना फायदेमंद था। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि भारत में सहायक संधि को पहली बार प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने किया। डुप्ले, मैंने पहले भी बताया था कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था और डुप्ले काफी योग्य एवं काबिल व्यक्ति था। उसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए एक पॉलिसी को उसने इंट्रोड्यूस किया था जो सहायक संधि के नाम से विख्यात हुआ, जिसके तहत डुप्ले ने देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, अर्थात देसी रियासतों के परस्पर झगड़े में उसने हस्तक्षेप किया और एक पक्ष को उसने मदद किया दूसरे पक्ष के खिलाफ, और उस मदद के एवज में उसने उसे जमीन यानी भूमि प्राप्त किया। और ये नीति डुप्ले की काफी सफल रही थी, यद्यपि कुछ कारण थे जिसके वजह से डुप्ले को आशातीत सफलता या भारत में वो सफलता नहीं मिल सकी जिसका वास्तव में वो हकदार था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि डुप्ले के उसी नीति को लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में काफी सफलता और चतुराई से प्रयोग किया और भारत में ब्रिटिश सत्ता को वो मुकाम दिया जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। कहने को तो ये सहायक संधि था, लेकिन वास्तव में सहायक संधि नहीं था, ये दास्ता का चार्टर, ये गुलामी का दस्तावेज इसको कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सहायक संधि का जो प्रणेता था वो वास्तव में लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था बल्कि डुप्ले था, ठीक है। तो ये हुआ सहायक संधि। अब मैं आपको बताऊंगा कि सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे और किसके साथ सहायक संधि किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर आप लोग गौर कीजिएगा कि सहायक संधि करने वाले राज्य क्रमशः यानी कि क्रॉनिकली ऑर्डर में आप उनको देखिएगा कि किसने किया। तो हैदराबाद मैसूर पहला था, हैदराबाद अब किया 1798, दूसरा था मैसूर अब किया 1799, ठीक है, तीसरा था तंजौर 1799, ठीक है। तंजौर एक साउथ का राज्य था और इसने चौथा अवध पांचवा पेशवा 1801, ठीक है। सबके विषय में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, भोसले 1803, सिंधिया 1804, भोसले 1804। तो ये सहायक संधि करने वाले कुछ प्रमुख राज्य थे। देखिए सहायक संधि करने वाले पर पहला हैदराबाद था जो 1798 में सहायक संधि किया, दूसरा मैसूर 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात, तीसरा तंजौर 1799, चौथा अवध 1801 और पांचवा पेशवा 1801। पेशवा मतलब बाजीराव द्वितीय, भोसले नागपुर के भोसले जो रघुजी 1803, सिंधिया 1804, तीन राज्यों ने सहायक संधि अंग्रेजों के साथ किया और एक तरह से सहायक संधि के द्वारा राज्यों ने अपने अस्तित्व को तो बचा लिया, अर्थात राजाओं ने
अपना जीवन तो बचा लिया लेकिन अपनी स्वतंत्रता खो दी। बस इसका फाइनल निष्कर्ष यही है कि अपने जीवन रक्षा के लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर दिया। अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली का ये समय का ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था उसके शासनकाल का, लेकिन इसके अलावा भी उसने कुछ अन्य कार्य किए थे, उस पर आप लोग गौर कर लीजिए। तो सबसे पहले कुछ अन्य कार्यों पर आप लोग वेलेजली के समय की अन्य कार्य अन्य घटनाएं, ठीक है। तो अन्य घटनाएं में चतुर्थ मैसूर युद्ध, ये हम आपको बता चुके हैं 1799 में हुआ था चतुर्थ मैसूर युद्ध, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय होती है, टीपू सुल्तान मारा जाता है, अंग्रेजों ने मैसूर के गद्दी पर पुराने वाडियार वंश के एक बच्चे को आसीन किया, लेकिन मैसूर की सत्ता पर उनका परोक्ष रूप से पकड़ स्थापित हो गया। चौथा 1800 में उसने कलकत्ता में 1800 ईस्वी कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। में उसने कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, उस कॉलेज का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज की उसने स्थापना की, जहां पर भारत में नियुक्त किए जाने वाले सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया था। अगला जो हुआ 1799 में उसने मेहदी अली खां और 1800 में मेलकम को राजदूत बनाकर ईरान भेजा। 1799 मेहदी अली खां, ठीक है, 1800 मेलकम को राजदूत बनाकर ईरान भेजा, ठीक है। इसके पीछे कारण था नेपोलियन का भय, अर्थात वह ईरान के साथ एक ट्रीटी करना चाहता था। ईरान के शाह ने उसे श्योर किया कि वह अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान में अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं होने देगा, तो ये भी एक उसकी एक कूटनीतिक पहल थी, ठीक है। और अगला जो महत्वपूर्ण घटना घटा वो था 1803 में लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली पर पहुंचा। लॉर्ड लेक द्वारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लेक एक ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के बावजूद मुगल सत्ता को सांकेतिक रूप से जीवित रखा था, अर्थात मुगल बादशाह को अभी भी सांकेतिक रूप से भारत का राजा माना जाता था, यद्यपि उसके पास न तो कोई अधिकार था और न कोई क्षेत्र था। बाद में आगे देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद वो भी खत्म। तो ये था लॉर्ड वेलेजली के समय की महत्वपूर्ण घटना, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके बाद गौर कीजिएगा, लॉर्ड वेलेजली के बाद भारत आने वाला अगला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस इससे पहले भी भारत का गवर्नर जनरल रहा था 1786 से 1793 तक, लेकिन दोबारा वो पुनः आता है 1805 में, लेकिन दुर्भाग्यवश जल्द शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में। आज भी गाजीपुर में उसकी एक समाधि। लॉर्ड वेलेजली के बाद कौन आया, लॉर्ड कार्नवालिस 1805, लेकिन शीघ्र मृत्यु
तू कहाँ होगा? गाजीपुर कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। इस प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड कार्नवालिस आता है, लेकिन तुरंत ही गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं इसके बाद, इसके बाद है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807। जॉर्ज बार्ले के समय में भी कोई बड़ी, बहुत बड़ी घटना या बहुत ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटनाएं, एकाध घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो नहीं हुई थी, लेकिन एकाध घटनाएं ही महत्वपूर्ण है, उसे आप याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी घटना जो हुआ था वो बेलूर विद्रोह, ठीक है? क्या हुआ था जॉर्ज बार्ले के समय में? बेलूर विद्रोह, बेलूर विद्रोह। क्या था बेलूर विद्रोह? बेलूर विद्रोह सैनिकों का विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह, ठीक है? बेलूर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। क्यों किया था विद्रोह? तो जातीय, जातीय एवं धार्मिक प्रतीक चिन्हों, जातीय एवं धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग, ये प्रयोग पर पाबंदी, पर पाबंदी के कारण। बात को आप लोग समझ रहे होंगे, यदि नहीं समझ रहे हो तो देखिए 1802 में, 1805 में बेलूर में विद्रोह हुआ था। विद्रोह का कारण क्या था? तो बेलूर के सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी के इस फरमान के खिलाफ विद्रोह किया कि कोई भी सैनिक जातीय और धार्मिक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेगा। यह 18वीं सदी का दौर था जब भारत विभिन्न जातीय और समाज, जातीय और धार्मिक समूहों में विभाजित था भारत का सोसाइटी, और जातीय और धार्मिक प्रतीक चिन्हों का बड़े ही कट्टरता के पूर्वक के साथ प्रयोग किया जाता था। जैसे बड़ी जातियां जो हिंदू जाति, हिंदू की धर्म की जो बड़ी जातियां थी, वो पगड़ी पहनते थे, तिलक लगाते थे, कुंडल पहनते थे, ठीक है? मुसलमान दाढ़ी रखते थे, इस तरह की बातें थी। तो कंपनी ने कहा कि ये सब सेना में नहीं चलेगा, आपको सेना का एक कोड है, उस कोड को फॉलो करने करना होगा। लेकिन सैनिकों ने इस फरमान को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है? तो ये था इसके समय की महत्वपूर्ण घटना। अब आते हैं अगला, लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो मिंटो 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल भी भारत में एक तरह से शांतिपूर्ण शासन का ही वो दौर था, बहुत ज्यादा सैनिक संघर्षों की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। मिंटो ने बहुत ज्यादा कूटनीति का ही सहारा लिया, लेकिन मिंटो के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो था पंजाब के शासक रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अमृतसर की संधि। कहाँ की संधि? अमृतसर की संधि। कब हुआ? 1809। इनके बीच तो रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच, ठीक है? यहां आप लोग गौर कीजिएगा, अंग्रेजों के बीच हुआ। इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया? चार्ल्स नेपियर। किसने किया? चार्ल्स
नेपियर, चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स नेपियर को अपना दूत बनाकर रंजीत सिंह के पास भेजा और रंजीत सिंह को अमृतसर की संधि के लिए तैयार किया गया और रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की। यद्यपि ऊपर से यदि आप देखिएगा तो इस संधि को देखने से ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इस संधि में बहुत बड़ा निहितार्थ छुपा था। यहाँ मैं एक लाइन में आप उसको बताऊंगा और थोड़ा सा आपको उस पर तो क्या था संधि की शर्तें। सिखों की सीमा, सिखों के राज की सीमा सतलज नदी को स्वीकार किया। यहां पर आप गौर कीजिएगा, सतलज नदी को सिखों के राज की सीमा स्वीकार किया। सतलज नदी जो है वो वर्तमान में कहां से बहती है? हरियाणा बहती है ना, सतलज नदी की पूर्वी सीमा हरियाणा ही है ना। तो यानी इसका मतलब था कि रंजीत सिंह अब सतलज नदी के पूर्व की ओर अपने विस्तार को समाप्त कर दे, यानी सतलज नदी का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से अंग्रेजी नियंत्रण में स्वीकार किया। यानी संपूर्ण उत्तर भारत पर ब्रिटिश प्रभुता को स्वीकार कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान था कि रंजीत सिंह को सतलज के तक सीमित करके, और आगे देखिएगा कंपनी किस तरह से आगे बढ़ती और बाद में पंजाब को भी वो निगल जाती, और मैंने पढ़ाया भी आप लोग। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स रहता है। इसके विषय में जो पहली बात मैं आपको बताऊंगा उससे ही आप समझ जाइएगा कि आगे ही क्या किया। पहला, साम्राज्यवादी विचारों का साम्राज्यवादी विचारों से आप लोग परिचित होइएगा। जो व्यक्ति साम्राज्यवादी मानसिकता को लेकर चल रहा हो वो निश्चित रूप से शांति में उसका विश्वास नहीं होगा। वो निरंतर सैनिक युद्धों के द्वारा अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ऐसा किया। तो इसके समय में कुछ अति महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसका महत्व आज तक है। आज भी उस घटना को आप देखिएगा उसका इंपॉर्टेंस है, कैसे है तो देखिए। तो पहला घटना आंग्ल नेपाल युद्ध 1864, पहला आंग्ल नेपाल 1814, यानी अंग्रेजों और नेपालियों यानी गोरखों के बीच युद्ध हुआ 1814 से 1816। देखिए इस युद्ध को यद्यपि गोरखों ने शुरुआत किया था, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने ब्रिटिश भारतीय भूमि पर आक्रमण किया था, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बहुत जबरदस्त पलटवार किया। अंग्रेजों ने इसका उत्तर जो था वो बड़ा ही डटकर इसका उत्तर दिया और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से कई महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया
और आज भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि गोरखा के साथ युद्ध करना एक ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में जो काफी जटिल था, आज भी वो इलाका जटिल, भारत नेपाल का जो तराई क्षेत्र है और जो पर्वतीय इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज भी काफी जटिल है। देखिए, पहले ब्रिटिश सेना के प्रमुख सेनापति का नाम आप लोग जान लीजिए कौन कौन थे, ऑक्टर लोनी, निकल्सन और गार्डनर। सेनापति ब्रिटिश सेना ऑक्टर लोनी, निकल्सन, ये चार लोग थे। अर्थात इस युद्ध में इन चार लोगों ने अपनी योग्यता और सामर्थ्य का ब्रिटिश सेना की ओर से प्रदर्शन किया था, ये चार लोग। वहीं दूसरी ओर गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमर सिंह थापा। गोरखा सेना का नेतृत्व अमर सिंह थापा। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ? गोरखों की हार। युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम गोरखों की हार। इस युद्ध में गोरखा लोग पराजित हुए। पराजय के बाद क्या हुआ? परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच संधि। युद्ध के बाद संधि तो अंडरस्टूड है, चाहे कोई पक्ष हार जाए या जीत जाए, अंतर यही होता है कि जो जीतता है वो संधि में उसकी बातें, उसकी शर्तें रखी जाती है, और जो हारता है वो संधि की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। और यहाँ भी वही हुआ। और यहाँ जिस जो संधि हुआ, बड़ा ही ऐतिहासिक संधि है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुआ? 1816। किनके किनके बीच? यानी कि गोरखों और अंग्रेजों के बीच। संधि की शर्तें क्या थी? गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल। गढ़वाल सब इस नाम से आप लोग परिचित होइएगा। गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सब हिल स्टेशन है जो वर्तमान में भारत में है। पर ब्रिटिश अधिपत, ठीक है, यानी ये सारे क्षेत्र उसी समय भारत की